गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। भिलाई से इस वक्त की बड़ी वारदात सामने आई है। कटर से काट दिया सिपाही का गला, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने से मना किया तो हुआ विवाद। दुर्ग जिले में एक युवक ने सिपाही पर जानलेवा हमला किया, उसने कटर से उसका गला ही काट दिया और मौके से भाग गया। घायल सिपाही को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। भिलाई नगर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। टीआई राजेश साहू ने बताया कि आरक्षक विपिन सिंह भिलाई थाने में पदस्थ है। वह रविवार की शाम ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर जा रहा था। उसने देखा कि सेक्टर 6 स्थित उसके घर के पास कुछ लड़के बैठकर शराब पी रहे थे। विपिन ने पास जाकर उन्हें शराब पीने से मना किया। सिपाही के मना करने पर युवक उससे झगड़ा करने लगे। झगड़ा बढ़ने पर वहां बैठे अनिल पंडित नाम के युवक ने सिपाही के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। सिपाही ने उसे जेल भेजने की बात कही तो उसने अपनी जेब से कटर निकाला, उसके गले पर वार कर दिया। कटर से आरक्षक का गला बुरी तरह से कट गया और वह लहूलुहान होकर वहीं पर गिर गया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए। हमला सिपाही के घर के नजदीक हुआ था। सूचना मिलते ही परिजन वहां पर पहुंच गए। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सिपाही का इलाज चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरोपी अनिल पंडित ने सिपाही की हत्या करने की नीयत से उसके गले में कटर मारा था, लेकिन सिपाही चौकन्ना हो गया और थोड़ा पीछे हट गया। इससे कटर उसके गले के ऊपरी भाग और गला पर पड़ा। यदि यही कट थोड़ा नीचे गर्दन की तरफ होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। पुलिस ने अनिल पंडित के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है और उसकी तलाश कर रही है।